लोथरियन एपिसोड का हिस्सा था, लेकिन दो लोग जोयान को रोक लेते हैं जो कि एक दूसरे के फियांसे लग रहे थे और जो कवाली कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सारे कैलकेमिस्ट अपने पिल रिफाइनमेंट में लगे हुए होते हैं। हालांकि तभी एक स्प्रिट कुलड्रोन से पावरफुल फ्लेम रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर सभी एल्केमिस्ट एक दूसरे को देखते और इसके बाद उसी डायरेक्शन में देखते हैं। यहाँ तक कि जोयान भी यह देखकर थोड़ा सा चौंक गया होता है और उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। साथ ही जोयान ने आसपास एक प्यारी सी मेडिसिनल पिल की स्मेल को भी फील किया था, जिसका मतलब था कि एक पिल रेडी होने वाली थी। जिसके बाद जोयान कहता वहाँ पे एक एल्केमिस्ट है जो शायद टीयर 4 की पिल को रिफाइन कर रहा है, लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। और इतना कहने के बाद जोयान उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद जोयान कहता है ग्रेड 4 पिल और एरियल रियलम सोल, ये सच में काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। और इसके बाद जोयान अपने सामने की भीड़ को देखकर उस कॉम्पिटिटर को देखना चाहता था जिसके साथ उसका कॉम्पिटिशन होने वाला था। और इस टाइम पे पिल रिफाइनमेंट करने के लिए एक स्टेज पर एक यंग मैन बैठा हुआ होता है जो दर्जनों लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि वो आसपास के एल्डर्स और लोगों को इग्नोर करके तुरंत ही अपने डिवाइन कुलड्रोन की तरफ देखता है, जिसके बाद वो तुरंत ही काफी सारे मेडिसिनल हब्स को अपने कुलड्रोन में डालने लगता है। और यहाँ पे उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी के कारण वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी तेजी से रिफाइन हो रहे थे, और उस फ्लेम के टेम्परेचर के कारण वो सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जिसपे जोयान कहता है इसकी ये टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल है और इसकी स्पिरिचुअल पावर और फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर कुछ टाइम पहले ही एलियन रियलम में आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पे लोग काफी शोर शराबा भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो यंग मैन ऐसे रिएक्ट करता जैसे कि उसने कुछ भी ना सुना हो, और उसकी रिफाइन की गई लिक्विड धीरे धीरे पिल की तरह कन्वर्ट होने लगती है और खुद ही रिफाइन होने लगती है, जिसके बाद वो उस लिक्विड को कंट्रोल करके धीरे धीरे कुलड्रोन के बाहर निकालता है और अपने सामने कंडेंस करने लगता है। और इसके लिए वो अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर और ओरिजिन क्वी को यूज करता है। और इस तरीके के लास्ट स्टेप को देखकर हर कोई काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस टाइम पे ये बंदा केवल एम्ब्रियोनिक पिल को ही क्रिएट करने में लगा हुआ था कि किसी भी हालत में वो पिल क्रिएट हो जाए। हालांकि इस टाइम पे भीड़ की भी आसपास से टिकी हुई होती है, अटकी हुई होती है, और वो सभी लोग भी उसी पर्सन को ही देख रहे थे। हालांकि वो पर्सन अचानक से अपनी ओरिजिन क्वी को उस पिल के अंदर डालना बंद कर देता है, जिसपे सभी लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या उसकी पावर खत्म हो गई है। और जब वो देखते हैं कि ये पर्सन वास्तव में टीयर 4 की पिल को छोड़ने को रेडी है, टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि इस बंदे ने टीयर 4 की पिल को छोड़ दिया। हालांकि तभी वो बंदा खड़ा होता है और इसके बाद सभी की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है आप सभी लोग के यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं साउथ फॉरेस्ट सिटी से ली लिन हूँ और ये तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था, हम 5 दिनों बाद कॉम्पिटिशन में मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। और इस टाइम पे जोयान भी उस पर्सन की पीठ को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा उदास होता है कि ये पर्सन इसकी एल्केमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ डील करना इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही जॉन को यह भी पता था कि टीयर 4 की हाई ग्रेड की पिल को अगर उसे रिफाइन करना है तो इसमें लगने वाली स्पिरिचुअल पावर और ओरिजिन क्वी काफी ज्यादा मात्रा में होगी। तभी जोयान कहता है उस पर्सन की पावर एलियन रियलम में पहुंच चुकी है और वो टीयर 4 की 3-स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकता है, जबकि मैं टीयर 4 की 2-स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने ड्यूकी कॉन्टिनेंट के एक्सपीरियंस और वहां के कुछ मेथड्स का यूज करूं तो शायद मैं टीयर 4 की 5-स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी काफी नहीं होगा। और इस टाइम पे जॉन सोचने लगता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसके बाद जॉन कहता है मैंने भाई कियान से सुना था कि पिछले पिल कॉम्पिटिशन में चैंपियन ने टीयर 4 की 5-स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइन किया था, इसीलिए इस पिल के साथ मैं चैंपियन तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। जिसके बाद जॉन कहता है मैंने लोअर रियलम के अंदर इतनी सारी चीजों को फेस किया है, एक छोटा सा पिल कॉम्पिटिशन मुझे इतना परेशान कैसे कर सकता है, मुझे इसका रास्ता जरूर ढूंढना होगा। जिसके बाद जोयान वहां से कहीं की तरफ जाने ही लगता है, लेकिन तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज आती है जिससे जोयान पलट कर देखता तो वो बाई क्यान की वॉइस होती है और इस वॉइस में हल्का सा गुस्सा भी होता है। जिसके बाद जोयान देखता है कि बाई क्यान के आगे दो एल्केमिस्ट होते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो बाई क्यान को घेरे हुए थे और बाई क्यान को वहां से जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि इस टाइम पे जोयान बाई क्यान को ऐसी हालत में देखकर स्माइल करता है और तुरंत ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बाई क्यान उसकी टीम की मेंबर थी तो जोयान को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी और वो चुपचाप बैठकर तो ये नहीं देख सकता था। हालांकि बाई क्यान का बिहेवियर जोयान के साथ बिल्कुल कोल्ड था, लेकिन बाई क्यान ने जोयान को काफी कुछ बताया था और उनकी आपस में काफी अच्छी पटती थी। तभी एक बंदा कहता है कैसा रहा मिस बाई, तो आप एल्केमी में हमारे साथ कॉम्पिटिशन करेंगी, अगर आप जीतती है तो हम आपको वो ट्रेजर देंगे जो हमने अभी अभी खरीदा है, लेकिन अगर आप हार जाती है तो आपको कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमारे साथ इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर सकती है, इसके बारे में क्या ख्याल है। और इतना कहने के बाद मोटे चेहरे वाला वो पर्सन बाई क्यान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में ठरकपन को साफ साफ देखा जा सकता था। और ये सुनते ही बाई क्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस टाइम पे बाई क्यान चाहती थी उसे थप्पड़ मारना, लेकिन उसे पता था सामने वाले बंदे की पावर पहले ही
एलियन रियलम तक पहुंच चुकी है और स्पिरिचुअल स्काई सिटी के अंदर भी उसे हीरो माना जा सकता है। और वो कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसे ट्रू मोनार्क स्टेज की पावर के साथ कंपेयर किया जा सके। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कोल्ड फेस इंप्रेशन के साथ कहती है दफा हो जाओ, और इतना कहने के बाद वो किनारे से निकलने लगती है, जिसमें वो पर्सन हंसता है। और यंग एज में उसे इस चीज की कोई भी फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पे वो इस प्लाजा के कोने में होते हैं जहाँ पे लोग काफी कम ही आते थे। वो तुरंत ही अपने बगल वाले बंदे की तरफ देखता है और बगल वाला बंदा बाइक यान के पास जाकर तुरंत ही उसका रास्ता रोक देता है, जिसके बाद मोटा बंदा तुरंत ही बाइक यान के हाथ को पकड़ लेता है। और इसके बाद वो कहता है क्योंकि मिस बाई कम्बन नहीं है तो फिर हम, और वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि अचानक वो चीख कर पीछे की तरफ हट जाता है और बाई क्यान का हाथ छोड़ देता है। साथ ही उसके हाथ में उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके बाद वो एक ब्लैक क्लॉथ वाले पर्सन को बाई क्यान के बगल में देखता है और ये अपना ठरकी जो यान होता, जो कि उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग अब और नहीं जीना चाहते। तभी बाई क्यान भी तुरंत ही अपने बगल में जो यान को देखते हुए कहती है जो यान, और इस टाइम पे वो काफी शॉक होती है। और इस टाइम पे जोयान ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, लेकिन बाई क्यान कुछ भी नहीं कहती। हालांकि जोयान जल्दी उसका हाथ छोड़ भी देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद जोयान मोटे बंदे को देखता है जो कि उदास चेहरे के साथ जोयान को देख रहा था। और इस टाइम पे उसने देखा था कि जोयान और बाई क्यान ने सेम ही ड्रेस पहनी थी, तो वो तुरंत ही अपने हाथों को रगड़ता है और कोल्ड स्माइल के साथ कहता है तो आप भी उसी सिटी के एल्केमिस्ट है, तो आप लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहते हैं। इस टाइम पे बाई क्यान को ब्लॉक करने वाला दूसरा पर्सन भी मोटे वाले के पर्सन के पास आ गया होता है, और इसके बाद वो दोनों लोग जोयान और बाई क्यान के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं सोच रहा था कि किसने एंट्री मारी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट स्काई सिटी के गार्बेज होंगे। जिसके बाद वो मोटा पर्सन जोयान को इग्नोर करते हुए बाई क्यान की तरफ देखते हुए कहता है हालांकि जब एल्केमी की बात आती है तो स्पिरिट स्काई सिटी भी पूरी तरीके से गार्बेज है, लेकिन स्पिरिट स्काई सिटी के पास काफी ब्यूटीफुल एल्केमिस्ट है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है इस लड़की को कुछ दिनों तक हमारे पास रहने दो और इसके बदले कंपटीशन के पहले फेस में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आगे बढ़ने में ये कैसा रहेगा। तभी जोयान बाई क्यान को रोकता है जो कि गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो गई थी, और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, और इसके बाद जोयान कहता है तुम मुझे पहले फेस में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हो, ये तो काफी बड़ी बात है, मुझे बताओ तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। जिसमें दूसरा बंदा कहता है हम निंजिंग सिटी से आए हैं और ये एल्डर ब्रदर यू कियांग है जो निंजिंग सिटी के सबसे जीनियस एल्केमिस्ट है, और उनकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही एलियन रियलम तक पहुंच गई है और वो काफी इजीली टियर 4 की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। और पिछली बार के पिल कंपटीशन में हमारी निंजिंग सिटी 8th रैंक पर थी, और एल्डर ब्रदर यू कियांग की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है कि वो इस बार टॉप 5 में तो अपनी जगह बना ही लेंगे, तो फिर आपके लिए तो उनके लिए आपको पहले फेस में हेल्प करना कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद वो मोटे पर्सन की तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ बाई क्यान जो जोयान के पीछे खड़ी हुई थी, जब वो ऐसी बातें सुनती है तो गुस्से से अपने दांतों को पीसती, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी सामने वाले पर्सन की पावर कुछ ऐसी होगी। हालांकि वो इसके बाद जोयान को देखती है जो उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, तो बाई क्यान भी जोयान को देखकर शांत हो जाती है। तभी जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है टॉप 5 तब तो उसके पास कुछ पावर है। और इसके बाद जोयान स्माइल करते हुए कहता है लेकिन मैं पिल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट स्टेज प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों इसे अचीव करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो बात करना काफी आसान हो सकता है ना। तभी यू कियांग कहता है क्या। इस टाइम पे जोयान की बात को सुनकर तो उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदसूरत हो गए थे, और वो गुस्से से जोयान को देखते हुए कहता है क्या तुम बेवकूफ समझते हो मुझे। तभी जोयान अचानक एक स्माइल के साथ यू कियांग के जस्ट सामने आ जाता है और यू कियांग के पेट में एक मुक्का मारता है, और जोयान के एक ही पंच के कारण उसकी पूरी बॉडी में काफी पेन होता है और वो ब्लड की वॉमिटिंग करता हुआ पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। तभी दूसरा बंदा भी जोयान की तरफ गुस्से से देखता है और इसके बाद पसीने से तरबतर होते हुए यू कियांग की तरफ भागता है। तभी जोयान कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, क्या तुम्हें इसके बारे में अभी पता चला। और इसके बाद जोयान कहता है मैंने अभी तुम लोगों को किसी ट्रेजर के बारे में बात करते हुए सुना था, तो चलो उसे निकालो और इसे तुम अपने एल्डर ब्रदर के किए हुए काम के मुआवजे के बदले में समझ सकते हो। जिसमें दूसरा बंदा कहता है मेरा एल्डर ब्रदर बेहोश है तुम्हें अब क्या हर जाना चाहिए। जिसमें जोयान कहता है बेहोश, अगर ये कहीं और की बात होती तो वो अब तक मर गया होता। जोयान की बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसका दिल बुरी तरीके से कांप जाता है कि एक बंदा जिसकी एज 20 साल से भी कम लग रही थी उसका बिहेवियर पूरी तरीके से अलग था जिससे वो अपनी लाइफ में अब तक मिला था। इसीलिए वो गुस्से से अपनी स्टोरेज रिंग से एक ग्रीन कलर का जेट बॉक्स निकालता है और उसे जोयान की तरफ बढ़ा देता है, जिसके बाद जोयान कहता है इसे 3 दिनों के लिए आराम करने के लिए ले जाओ, हो सकता है कि ये पिल कॉम्पिटिशन में शामिल हो सके, और उसे फ्यूचर में थोड़ा सा कंट्रोल में रहने के लिए कहना, क्योंकि अगर ये कोई और जगह होती तो मुझे लगता है वो मर चुका होता, आखिरकार हर कोई मेरे जैसा सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता।
जिसके बाद जियान एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बाइक यान की तरफ चला जाता है और कहता है चलो चलते हैं। इस टाइम पे बाइक यान भी अब्सेंट माइंड के साथ एग्री हो जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब से वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन में थी और उसने कभी भी इस तरीके की मारधाड़ नहीं देखी थी। और उसने बचपन में गलती से बाईजून को अपने टीचर के मेंशन में देखा था, जो कि पूरी तरीके से खून से तरबतर था, जिससे उसके दिल में ये मौत, ये हिंसा, इन वाइल्ड तरीकों को और क्रुएल्टी को देखकर वो पूरी तरीके से ब्लैक रीजर के लोगों से नफरत करने लगी थी। लेकिन आज जब उसने जोयान को उसे बचाते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए देखा, तो उसके दिल में जो ये क्रुएल्टी के लिए नफरत थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा कहता है हमारे एल्डर ब्रदर इस हद तक घायल हो गए हैं, चेयरमैन इससे जरूर ही नाराज होंगे, स्पिरिट स्काई सिटी के बास्टर्ड, बस तुम सब लोग डेट करो। और इसके बाद वो जियान और यूकियांग को जाते हुए देखता है बाइक यान को, जिसके बाद वो यूकियांग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जोयान बाइक यान की तरफ देखते हुए कहता है वैसे इस ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि जियान ने वो ग्रीन बॉक्स बाइक यान को दे दिया था। तभी बाइक यान भी कोल्ड इम्प्रेशन के साथ जोयान की तरफ देखते हुए कहती है अंदर एक ग्रीन पैटर्न पिल है, इसे टीयर 4 की 5 स्टार मेडिसिनल पिल कहा जा सकता है। मैंने इसे पिल पवेलियन में पाया था, लेकिन मैं इसे खरीदने ही वाली थी कि उससे पहले उन दोनों साथियों ने इसे छीन लिया और इसके बाद वही सब कुछ हुआ जो तुमने देखा है। तभी जियान कहता है ग्रीन पैटर्न पिल, और इस टाइम पे जोयान को पता था कि इस पिल का इफेक्ट काफी अच्छा है और ये कम टाइम में काफी ज्यादा ओरिजन को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे किसी के भी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है। तभी बाइक क्यान भी कुछ सोचती और इसके बाद स्माइल करती है और इसके बाद कहती है आपने अभी अभी कहा कि आप फर्स्ट स्टेज पर आना चाहते हैं, क्या ये सच है? जिसपे जियान कुछ सोचता है लेकिन सिर हिलाते हुए कहता है ये सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्स्ट पोजीशन पर आना है। जिसपे बाइक क्यान कहती है अगर ये मामला है तो मैं आपको ये ग्रीन पैटर्न पिल दूंगी, हालांकि आप काफी स्ट्रांग है लेकिन आप अभी भी 1 स्टार मोनार्च स्पिरिट पर है और आपकी ओरिजन कोई अभी भी लिमिटेड है, इसीलिए अगर आप 1 स्टार तक ब्रेक थ्रू करते हैं तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और इस टाइम पे उसके जो बर्ड होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं और फेस इंप्रेशन भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं। ये सुनकर जियान भी अजीब तरीके से स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी ये पिल चाहिए थी लेकिन इसकी कीमत सस्ती बिल्कुल भी नहीं थी और जियान इसे मुफ्त में तो बिल्कुल भी लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अगर वो इसे खरीदना चाहता था तो उसे काफी सारे मोनार क्रिस्टल निकालने पड़ते, जो प्रेजेंट टाइम पे जियान के लिए निकालना एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसके पास भी कंगाली छाई हुई थी। हालांकि जियान को एम्बेरेस होता हुआ देखकर बाइक यान हंसने लगती है और कहती है ले लो, क्योंकि तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि स्प्रिट स्काई सिटी के लिए ये चैंपियनशिप जीतनी है, तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि अदर सिटीज के एल्केमिस्ट स्प्रिट स्काई सिटी को किस तरीके से देखते हैं। उसकी बात को सुनकर जोयान भी अपना सिर हिलाता है और उस जेड बॉक्स को रखते हुए कहता है आपने अभी अभी पिल पवेलियन का जिक्र किया, वो कहाँ है? जिसपे बाइक यान कहती है क्या आप भी पिल पवेलियन में जाना चाहते हैं? जिसपे जोयान कहता है बिल्कुल, आखिरकार ज्यादा पिल्स को देखकर मुझे पिल कॉम्पिटिशन के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है। जिसपे बाइक यान भी हंसते हुए कहती है ये सही है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। और इसके बाद एक रास्ते में आगे बढ़ने लगती है और जोयान उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जिया सेन जब अपने बेहोश डिसाइबल को देखता है तो उसके सिर पर तो खून सवार हो गया था, जिसके बाद वो गुस्से से कहता है जी योन वो वास्टर्ड, उसने वास्तव में अपने डिसाइबल को दूसरे लोगों को मारने का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ लड़की को लेकर आने वाले फियोंसे ने जब अपने मास्टर की तरफ देखा तो वो तुरंत ही कहता है मास्टर आप नहीं जानते लेकिन उसने हमारे व्हाइट स्टोन सिटी और आपका भी मजाक उड़ाया था, आपको हमारे लिए जस्टिस में हेल्प करनी चाहिए। तभी सीसेन खुद को शांत करता और इसके बाद कहता है बस तुम रोको, मैं अब खुद स्पिरिचुअल स्काई सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन के पास इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो इसे किस तरीके से डील करेंगे। तभी वो बंदा कहता है क्या आप जी उनकी तलाश नहीं करेंगे? जिसपे मास्टर कहते हैं हम लीडर्स के बीच में टकराव नहीं हो सकता, उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मैं अपनी पोजीशन को कम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चिंता बिल्कुल मत करो, उन्हें इस चीज की कीमत जरूर चुकानी होगी, इस बार के कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जिसपे वो बंदा तुरंत ही कहता है तब तो ये काफी अच्छा है कि एक पावरफुल अपोनेंट कॉम्पिटिशन से अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ बाइक यान के गाइडेंस में जोयान भी एक जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह से काफी ज्यादा एशियन टोरा निकल रहा था और उसके ऊपर पिल पवेलियन लिखा हुआ था, जिसे देखकर जोयान थोड़ा सा खुश होता है और बाइक यान के साथ सीधा ही उस पवेलियन के अंदर चला जाता है जहाँ कुछ एल्केमिस्ट थे। इस टाइम पे जोयान अपने सामने काफी सुंदर लेआउट देख सकता था और साथ ही साथ चारों तरफ पिल की गोलियां या मेडिसिनल पिल भरी हुई थी और यहाँ पे 2-3 के ग्रुप में एल्केमिस्ट बेची जाने वाली मेडिसिनल पिल्स को देख रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान कुछ मेडिसिनल पिल्स को देखता है तो वो रैंक 2 और रैंक 3 की होती है। जिसके बाद जोयान बाइक यान की तरफ देखते हुए कहता है आपने ग्रीन पैटर्न पिल कहाँ से खरीदी थी? जिसपे बाइक यान ऊपर की तरफ इशारा करती है। इस टाइम पे जो पिन पवेलियन था उसे 3 फ्लोर में डिवाइड किया गया था और दूसरे लेवल पर केवल वही एल्केमिस्ट जा सकते थे जो कि ट्रू मोनार्क स्टेज के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे, और तीसरे स्टेज पे जाने के लिए एलियन रियलम की सोल पावर की जरूरत थी, जबकि पहला लेवल हर किसी एल्केमिस्ट के लिए ओपन था।
जब जियान सुनता है कि तीसरे फ्लोर में जाने के लिए एलियन रियलम की सोल पावर चाहिए है तो वो दिल में थोड़ा सा खुश फील करता है और शौक भी। और इसके बाद जियान बिना किसी हलचल के सीधा ही तीसरे फ्लोर की तरफ जाने लगता है। तभी बाई कियान भी कहता है क्या ये वास्तव में एलियन रियलम की सोल पावर में पहुंच गया है। इस टाइम पे बाई कियान आधे दिन पहले ही स्पिरिचुअल स्काई सिटी में आई थी और यहाँ पे उसने काफी सारे अल्केमिस्टों को देखा था जो कि ट्रू मोनार्क के स्टेज के पीक लेवल और एलियन रियलम में पहुंच गए थे, इसीलिए उसके दिल में जिन चीजों का प्राउड था वो भी कम हो गया था। और इस टाइम पे उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा था कि अगर जो यान यहाँ पर नहीं होता तो उन सब की स्पिरिट स्काई सिटी यहाँ पे काउंट होने लायक भी नहीं थी। जिसके बाद बाई कियान हंसते हुए जो यान की तरफ देखती है और उसके दिल की सभी टेंशन तुरंत ही गायब हो गई थी। जिसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के जो यान के साथ थर्ड फ्लोर की तरफ चलने लगती है। हालांकि दूसरे फ्लोर में भी काफी सारे एल्केमिस्ट थे लेकिन जो यान और बाई कियान सीधा ही थर्ड फ्लोर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे सीढ़ियों पे एक ओल्ड मैन जो कि पालथी मार के बैठा हुआ था जो यान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाओ। जैसे ही जियान उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करके दिखाता है तो एक स्टॉर्म की तरह चारों तरफ फ्लक्चुएशन होने लगता है जिसपे एल्डर भी थोड़ा सा शॉक होते हैं लेकिन वो तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं कि जो यान थर्ड फ्लोर के अंदर जा सकता है। और इसके बाद वो बाई कियान की तरफ देखते हुए कहता है आपकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी एलियन रियलम तक नहीं पहुंची इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकती। जिसपे जियान पीछे मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाई कियान स्माइल करते हुए कहती है ये भी एक रूल है इसीलिए मैं सेकंड फ्लोर पर ही घूमूंगी, आप यहाँ से अपना काम पूरा करके नीचे मुझे ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद वो सेकंड फ्लोर की तरफ चली जाती है। ये देखकर जियान को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और थर्ड फ्लोर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन भी स्माइल करते हुए कहता है स्प्रिट स्काई सिटी आपके पास इतना खतरनाक टैलेंट कब से आ गया, लगता है इस बार के पिल कॉम्पिटिशन में काफी चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ वास्तव में काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जिसके बाद जियान थर्ड फ्लोर को देखता है जो कि फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा था। हालांकि जियान इससे बिल्कुल भी उदास नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि अंदर जो चीजें हैं वो अदर चीजों से काफी ज्यादा कीमती हैं। हालांकि इस टाइम पे जियान काउंटर में देखता है तो जियान देख सकता था यहाँ पे जो भी सभी पिल्स थी वो लो ग्रेड की पिल थी और सबसे लो ग्रेड की पिल टीयर 4 5 स्टार रैंक की पिल थी, यहाँ तक कि फिफ्थ रैंक की भी पिल यहाँ पे थी। साथ ही दूसरे फ्लोर के कंपैरिजन में तीसरे फ्लोर में काफी कम एल्केमिस्ट थे जिसका मतलब था कि ये पिल कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा पावरफुल पोजिशन रखने वाले एल्केमिस्ट थे, इन्हें जीनियस भी कहा जा सकता था। जियान कैबिनेट में काफी सारी पिल्स को देखता और इसके बाद तीन ग्रीन मेडिसिनल पिल्स को देखता जो कि ग्रीन पैटर्न पिल थी। जिसके बाद वो तीनों मेडिसिनल पिल्स को देखकर जियान कहता है ये पिल काफी अच्छी हैं और अगर मैं इन्हें रिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे अभी भी काफी एफर्ट करने होंगे। और नीचे इनकी कीमत को देखते हुए जियान ने देखा था कि इनकी प्राइस 1,20,000 मोनार्क क्रिस्टल थी और अगर जियान तीनों को खरीदना चाहता था तो 3,60,000। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जियान के पास काफी मोनार्क क्रिस्टल थे लेकिन 3,00,000 से ज्यादा मोनार्क क्रिस्टल निकालना ये अभी भी उसके लिए काफी दर्दनाक था। हालांकि जियान यहाँ पे उदास हो ही रहा था कि तभी एक आवाज आती है लिटिल ब्रदर को कौन सी मेडिसिनल पिल चाहिए, अगर आपके पास पर्याप्त मोनार्क क्रिस्टल नहीं है तो हम इन्हें बदलने के लिए मेडिसिनल पिल्स का यूज कर सकते हैं और हम बाजार की कीमत के अकॉर्डिंग उनकी कीमत को कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद वहाँ पे एक हाफ एजेड मैन जो कि हल्का मोटा होता है जियान के सामने अपीयर होता है और जियान जैसे एक्सचेंज सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जियान अपने हाथ को फ्लिप करता है तो उसके हाथ में टीयर 4 की कुछ मेडिसिनल पिल्स दिखाई देती है। जिसके बाद जियान कहता है मुझे ये तीनों ग्रीन पैटर्न पिल चाहिए। इस टाइम पे इन टीयर 4 की मेडिसिनल पिल्स को जियान ने तब रिफाइन किया था जब वो स्प्रेड स्काई सिटी के अंदर अपने एल्केमी को धीरे धीरे सुधार रहा था और इनमें से जो हाई रैंक की थी वो टीयर 4 की 4 स्टार पिल थी और जियान को नहीं पता था ये कितने मोनार्क क्रिस्टल से मेल खा सकती है। इस टाइम पे हाफेजर मैन जियान की पिल को देखता है तो वो भी काफी हैरान होता है और इसके बाद इस्तेमाल करते हुए कहता है ये टोटल 6 टीयर 4 की मेडिसिनल पिल्स हैं, इन्हें लगभग 3,00,000 मोनार्क क्रिस्टल में बदला जा सकता है। जिसके बाद जियान भी काफी खुश होता है कि उसका काम हो गया और वो मोनार्क क्रिस्टल निकालने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है रुको मुझे वो तीनों ग्रीन पैटर्न पिल चाहिए। और एक यंग मैन जियान की तरफ चलता हुआ आता है और उस हाफ एजेड मैन को देखता है। दूसरी तरफ जियान जब इस बात को सुनता है तो वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और अपने बगल में यंग मैन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है मुझे खेद है लेकिन ये तीनों पिल अब मेरी हो चुकी हैं। जिसमें वो पर्सन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाले को ये पिल मिलेगी क्योंकि ग्रीन पैटर्न पिल अभी तक आपके हाथों में नहीं आई, मैं अभी भी बोली लगा सकता हूँ 4,00,000 मोनार्क क्रिस्टल। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है यंग मास्टर जो पहले आया है ये कीमत उसी की होनी चाहिए। जैसे ही वो पर्सन हाफ एजेड मैन की बात को सुनता है वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक एक आवाज आती है सैनफी तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद सभी लोग पीछे देखते हैं तो एक नीले कलर का कपड़ा पहने हुए पर्सन जो कि अपने कंधों तक नीले बालों के साथ काफी सुंदर दिखाई दे रहा था हाथ में पंखा लेते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ता है और जैसे ही सैनफी उसे देखता तो तुरंत ही कहता है यंग मास्टर। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुरंत ही उसे बताता है जिस पर वो यंग मैन यंग मास्टर जो यान की तरफ देखते हुए कहता है ये सिर्फ एक ग्रीन पैटर्न पिल है मैं इसे आसानी से रिफाइन कर सकता हूँ ये पिल इस लड़के के लिए छोड़ दो। और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है और सैनफी तुरंत ही उसका पीछा करता है।
स्टैम्पेजियन उन दोनों को जाते हुए देखकर अपने दिल में थोड़ा सा खतरा फील कर सकता था, जिसके बाद वो अपने दिल में सोचते हुए कहता है, लगता है ये एल्केमिस्टुअल स्काई सिटी के जियो यू होना चाहिए, जैसे जो गुटियान, लियु यिंग और बाकी लोग, उनके अलावा मुझे कोई खतरा नहीं है। जिसपे सैनफी कहता है, जो यू आपके लिए मैच कैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से तो इस स्पिल कॉम्पिटिशन के चैंपियन आपको होना चाहिए यंग मास्टर लियु जुआन, क्योंकि यंग मास्टर मर्सेनरी अलायंस के हेडक्वार्टर की पिल कॉम्पिटिशन के चैंपियन बनने और स्प्रिट हेवन मेंशन में सभी मर्सेनरी क्रॉप्स में उनकी रिपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए आए थे, तो आपको हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिसपे वो यंग मास्टर सिर्फ स्माइल करता है और ज्यादा कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हमें सीसीएन दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने एक एल्डर की साथ में बैठा हुआ होता है और उसे सब कुछ बताता है जो जियो यान ने किया था। वो कहता है, चेयरमैन हुआ स्प्रेड स्काई सिटी के पार्टिसिपेंट, उसने मेरे डिसाइबल को घायल किया है, क्या आपको लगता है कि हमें स्प्रेड स्काई सिटी को पनिशमेंट देनी चाहिए। इस टाइम पे सीसेन काफी ज्यादा पोलाइटली और गुस्से में बात कर रहा होता है। इस टाइम पे स्पिरिचुअल स्काई सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हाउ यान चेयर में बैठे हुए थे और चाय की चुस्की लेते हुए हंसते हुए कहते हैं, स्प्रिट स्काई सिटी के डिसाइबल ने आपकी व्हाइट रॉक सिटी के डिसाइबल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से घायल कर दिया। चेयरमैन सी तुरंत ही इसमें गुस्से से अपना सिर हिलाते हैं, जिसमें एल्डर कहते हैं, आपकी व्हाइट रॉक सिटी टॉप 10 में से एक है, पास्ट के पिल कॉम्पिटिशन में वास्तव में आपको स्प्रिट स्काई सिटी के एल्केमिस्ट द्वारा घायल कर दिया गया है। तभी सीसेन दांत पीसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता जी उन ने उस बास्टर्ड लिटिल मॉन्स्टर को कहां से पकड़ा है जिसकी स्पिरिचुअल पावर वास्तव में इतनी पावरफुल है। कम से कम उसके पास स्पिरिचुअल पावर एलियन रियलम की तो होनी ही चाहिए। जिसपे हाउ यान सरप्राइज होकर स्माइल करते हैं और इसके बाद कहते हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार स्प्रेड स्काई सिटी काफी ज्यादा पावरफुल होकर आई है। जिसपे सीसेन हंसते हुए कहते हैं, सिर हिलाते हुए कहते हैं, उस लड़के का ओरिजिन अननोन है, मुझे नहीं लगता कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने उसे खुद ट्रेन किया होगा, वो काफी क्रूएल और अनकंट्रोलेबल है। हालांकि मेरा डिसाइबल अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसके साथ कंपटीशन कर सकता था, लेकिन उसने चुप की भौहें तन जाती हैं और वो भी सोचने लगते हैं। आखिरकार कहते हैं, गुटियान तुम यहाँ क्यों आए हो, आपको वापस जाकर अपने डिसाइबल से पूछना चाहिए, अभी भी मुझे करने के लिए मेरे पास काफी सारे काम है। सीसान भी हवान के चेहरे की स्माइल को देखकर और गुटियान को देखकर कुछ भी नहीं कहता और बेमन तरीके से उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हवान स्माइल करते हुए जो गुटियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने अभी जो कहा उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड स्काई सिटी के उस लड़के के पास कुछ पावर होनी चाहिए है ना। जिसपे जो गुटियान भी मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, उसकी स्पिरिचुअल पावर हालांकि मुझसे थोड़ी वीक है, लेकिन उसके फेस इंप्रेशन और उसके बिहेवियर को देखकर मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को रखता होगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसे टॉप 10 के अंदर इंटर होने में कैपेबल होना चाहिए। जिसपे हवान भी चाय पीते हुए अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, स्प्रिट स्काई सिटी ऐसा लगता है कि उन्हें कोई छिपा हुआ ड्रैगन मिल गया है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, वो ठीक है, जियो यू कैसी है। जिसपे वो कहता है, सबसे एल्डर ब्रदर को अभी भी कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 5-स्टार मोनार्क स्प्रिट लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं तो वो tier 4 7-स्टार की पिल को रिफाइन कर सकते हैं और उस टाइम पे उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे एल्डर कहते हैं, पिछले चैंपियन केवल tier 4 5-स्टार मेडिसिन पिल को रिफाइन कर पाए थे और अगर वो tier 4 7-स्टार पिल को रिफाइन करता है तो चैंपियनशिप जीतना मुश्किल नहीं होगा। और इसके बाद वो अपने डिसाइबल की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप क्या सोचते हैं। जिसमें वो तुरंत ही कहता है, मास्टर ये डिसाइबल बिल्कुल भी एल्डर ब्रदर जियो यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को, हालांकि मुझे grade 4 की 6-स्टार की पिल को रिफाइन करने में कैपेबल होना चाहिए। जिसपे हवान हंसते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, आपका टैलेंट अभी भी लास्ट बैच में चैंपियन बनने के लिए पर्याप्त है और इस बैच के लिए जियो यू को काफी होना चाहिए और इस साल का चैंपियन मुझे लगता है जियो यू ही होगी, आप होंगे दूसरी पोजीशन पर और वो लड़की लियु यिंग होगी तीसरी पोजीशन पर, तो इस बार मर्सेनरी क्रॉप्स के एल्केमिस्टों को स्पिरिचुअल स्काई सिटी की पावर दिखानी चाहिए। हवान की बात को सुनकर जो गुटियान भी स्माइल करता है और अपना सिर हिलाता है। दूसरी तरफ जो यान और बाइकियान पिल पवेलियन से लौटने के बाद अपने अपने रूम में आ गए थे और इस टाइम पे जॉन अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा हुआ था और इसके बाद जॉन 4 मेडिसिनल पिल्स को निकालकर उन्हें देखने लगता और गहरी सोच में पड़ जाता है। साथ ही जॉन अभी भी उस नीले बालों वाले यंग मास्टर की पावर के बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं था जिससे वो पिल पवेलियन में मिला था। साथ ही उसने देखा था कि वो पर्सन काफी ज्यादा ईगोफुल भी था, यहाँ तक कि उसने ये कहा था कि वो tier 4 की 5-स्टार ग्रीन पैटर्न पिल को रिफाइन कर सकता है, तो क्या वो अपनी पूरी पावर के साथ tier 4 6-स्टार या 7-स्टार की पिल को रिफाइन करने में कैपेबल नहीं होगा। स्टंप पे जॉन समझ गया था कि इस कंपटीशन में काफी टैलेंटेड लोग आए हुए हैं। जिसके बाद जॉन कहता है कि उसके अकॉर्डिंग उसे मर्सेनरी क्रॉप्स में एल्केमिस्ट होना चाहिए। जिसके बाद जॉन जैसे ही बुदबुदाते हुए एक्साइटेड हो जाता है और अपने सामने 4 ग्रीन पैटर्न पिल को देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से एक को स्वैलो कर लेता है। अपने प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ जॉन rank 4 के 4-स्टार पिल को रिफाइन करने में कैपेबल था, यहाँ तक कि जॉन 5-स्टार की पिल को भी रिफाइन करने में कैपेबल था, लेकिन इससे चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद बहुत कम थी।
इसलिए जॉन केवल इतना कर सकता था कि अपनी ओरिजन कुई को बढ़ा सके और उसका यूज हाई रैंक की पिल को रिफाइन करने के लिए कर सके, क्योंकि तभी जोयान हाई रैंक की पिल को रिफाइन करने में कॉन्फिडेंट फील कर सकता था। जैसे ही ग्रीन पैटर्न पिल जॉन की बॉडी के अंदर एंटर होती है तो जॉन फील करता है कि उसकी मेरेडियंस में हल्की सी गर्म की लहर दौड़ने लगी थी, जिससे जॉन की स्किन भी हल्का हल्का रेड होने लगती है। इसके बाद जॉन भी अपने आप को कंट्रोल करके कल्टीवेशन की स्टेज में आ जाता है और यहाँ पे ये पिल भी धीरे धीरे नेचुरल ओरिजन कुई में चेंज होती जा रही थी, जो कि जॉन की कुई चेनों में घूमते हुए पूरी बॉडी में फैलती जा रही थी। इस टाइम पे कुछ टाइम तक जॉन अपने रूम को नहीं छोड़ता और उसने चारों ग्रीन पैटर्न पिल को स्वैलो कर लिया था। और इस टाइम पे जोयान ने जब चौथी पिल को स्वैलो किया था तो चुपचाप 3 दिन बीत चुके होते हैं और आखिरकार ये वो दिन था जब सभी को अपने आप को रजिस्टर कराना था कॉम्पिटिशन के लिए, और इसके बाद ही ग्रैंड पिल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। और एक बेल के साउंड के साथ सभी लोग अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए जाने लगते हैं। जोयान, जिसने अपनी घंटी की आवाज सुनी थी, तुरंत ही कपड़े पहनकर दरवाजे को धक्का मारता है और उससे बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे पहले ही काफी सारे एल्केमिस्ट थे जो कि अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ ये सब चल रहा था। इस टाइम पे जी उन बाहर ही खड़े होते हैं और बाइकियान, जिसे उसने 3 दिन से नहीं देखा था, उनके पास खड़ी थी। और जब वो जोयान को बाहर आते हुए देखते हैं तो हल्का सी स्माइल उनके चेहरे पे आ जाती है, जिसके बाद फू जुआन अपने रूम से बाहर आता है और जीउन उन तीनों को लेकर नीचे चले जाते हैं। इस टाइम पे जोयान कहता है, यहाँ पे काफी सारे टैलेंटेड एल्केमिस्ट हैं, और जोयान अपने दिल में थोड़ा सा जेलिसी भी फील करता है। पिछले 3 दिनों में जोयान ने चारों ग्रीन पैटर्न पिल को स्वैलो कर लिया था, जिसके कारण जोयान की पावर सेकंड स्टार मोनार्क के स्प्रेड के पीक लेवल पर पहुंच गई थी और जोयान ने थर्ड स्टार की स्पिरिचुअल पावर के बॉर्डर को छू लिया था। हालांकि इसके प्रॉफिट और नुकसान भी थे, क्योंकि ग्रीन पैटर्न पिल के लगातार यूज करने के कारण अब ग्रीन पैटर्न पिल जोयान के लिए कोई भी यूजफुल नहीं थी। हालांकि तभी जोयान कहता, अब मैं सरप्राइज हूँ कि अब मैं किस ग्रेड की पिल को रिफाइंड कर सकता हूँ। जिसके बाद जोयान अपनी बॉडी के अंदर भरी हुई ओरिजन कुई को फील करता है, जिसके बाद जोयान कहता, मुझे ग्रेड 4 की 5-स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6-स्टार मेडिसिनल पिल के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे सक्सेसफुली रिफाइंड कर सकता हूँ या नहीं। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करूंगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। ओके, बाय बाय थ्री एंड फैमिली।